बच्चों आज हम क्या देखने वाले हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको राउंडिंग ऑफ तक का बता दिया था, ठीक है, जो आपके वीडियोस अवेलेबल हैं आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी जो लिंक मिल जाएंगे। आज हम क्या देखने वाले हैं उसके आगे हमने एक टॉपिक देखना था अरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखा था। ठीक है, इसके लिए देखिए दो है, पहला तो एड और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पहले देखते हैं, एडिशन के लिए, और इधर देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, तो उसमें क्या वैल्यूज लेते हैं, क्या आंसर लेते हैं, उसको देखना है। तो जैसे वैल्यू देखिए हमने 2.3356 और यहाँ पे प्लस करना है 1.5, ठीक है, 1.54 है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, 3 है, पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली हमने ऐड कर लिया, देखिए 6, 9, 8, 3.896। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो आंसर लिखना है लिस्ट सिग्निफिकेंट, तो ये क्या है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो इसी तरह आंसर भी क्या होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। ये रूल होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने से वो टर्म्स क्या होने चाहिए। तो इसका लिस्ट कर देते हैं, मतलब क्या राउंड ऑफ कर सकते हैं हम, हमने अभी राउंड ऑफ सीखा भी पिछले वीडियोस में। तो ये देखिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए थ्री डिजिट्स में चेंज करना है हमें, किसको राउंड ऑफ करना, मतलब यहाँ पे 6 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 को राउंड ऑफ कर देते। देखिए 6 है, ये क्या है आपका, आप यहाँ देख सकते हो ये 6 जो है, अब यहाँ पे ये जो 6 वैल्यू है वो क्या है, 5 से बड़ा है। तो ठीक है, 5 से बड़ा है, अब इसको हम राउंड अप करेंगे तो ये क्या होगा, एक रेज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 पॉइंट, और यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक और ड्रॉप हो जाएगा इसके कारण, तो ये मिल जाएगा हमको आंसर 3.90। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हमने एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अब देखिए इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, 2.356 माइनस में 1.54, ठीक है, 6 मिल गया, 15 में से 4 गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 15 में से 4 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, और ये 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 0.816। तो आप यहाँ देख सकते हो ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर में ही है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं और दूसरी डिजिट है डेसिमल के बाद है 816। लिस्ट है यहाँ पे, ये 3, यहाँ पे भी 3, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा कैसे, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना था, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ये हो गया। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का। इधर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन जो ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से इसको सीखेंगे समझेंगे। देखिए इसमें भी लिस्ट ही हमने लेना, तो सबसे पहले आपको यहाँ बताते हैं, देखिए हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.356 और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1.25 से। ठीक है, 1.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देखिए ये हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 6 12 2 2 5 10 11 1 2 3 6 1 7 2 2 4। ओके, यहाँ पे देखिए 6, तो ये 5, ये 3 और ये 2। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 6 30 कैरी 3, 5 5 25 8 कैरी 2, 5 3 15 17 कैरी 1, 5 2 10 1 11 2 6 12 2 कैरी 1, 2 5 10 1 और यहाँ 2 3 6 1 7 2 2 4। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन भी आपको करना होता है, क्योंकि यही है एरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कैलकुलेशन को इतने ध्यान से आपको बता भी रहे हैं ताकि यहाँ पे कुछ एरर ना हो। ठीक है, ये 5 3 और ये 2, ये आपका देखिए यहाँ से वैल्यू आ गया, और यहाँ से 8 6 14 1 15 और यहाँ से 6 और 7 13 1 14 का 4 1 6 3 9 और 2। अभी आप देख सकते हो 3 2 5 3
ये देखिए 1, 2, 3, 2, 5, 2.945, ठीक है 2.945 है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1.25 3 है केवल, तो अब हमें 3 करना है, मतलब यहाँ 5 को हम ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करना है, इसके बाद 0 है और इधर क्या है, एक इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या ले सकते हैं 2.94, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 5 के बाद 0 है, 5 को ड्रॉप करना था, 5 के बाद 0 है, लेफ्ट साइड में इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होता, ऑड रहता तो एक इंक्रीज हो जाता, आंसर आ गया 2.94, ठीक। अब डिवाइड करते हैं, चलिए 1.5 से हम 3.05 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, डेसिमल यहाँ पे हो गया 15 to the 30, ये 0, बाकी यहाँ डेसिमल ये चल गया, यहाँ 5 आ गया, लेकिन डिवाइड नहीं हो पाएगा, एक बार 0 हम ले जाते हैं, 0 आ गया, 15 3 45 5, ओके। नाउ हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन 2.03, लेकिन हमें क्या करना है, क्वेश्चन को लिस्ट में करना है, लिस्ट में यहाँ देखिए कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम उसको लिस्ट में कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे 2. अब इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो 2.0, तो ये क्या हो गया आपका 2.0, आपका क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, और ये आपका आ गया इसमें डिवीजन में। तो आपको बच्चों यदि हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी पूरे लेक्चर जो है आपको अवेलेबल करा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर क्लास।